नमस्कार दोस्तों, द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज है आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो नंबर 48। इससे पहले मैंने 47 वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल द जीएस प्लेटफॉर्म को इस तरह से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो 48 करंट अफेयर में देखिए, आज पूरा वीडियो ICC के पुरस्कारों पर आधारित है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने केवल और केवल वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो ICC क्रिकेट के जो पुरस्कार दिए गए कल, उन पर आधारित। तो पहला प्रश्न देखिए, ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गैरी फील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली, ठीक है। तो यानी कि ICC ने अपनी पुरुष क्रिकेटर ऑफ ईयर के लिए ये ट्रॉफी किसे दी है, तो भारत के विराट कोहली को दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, ICC पुरस्कार टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, यानी कि जो क्रिकेट की संस्था है, विश्व की सबसे बड़ी संस्था ICC, उसने कहा है कि जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था जो क्रिकेट है, उसमें टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिलेगा, यानी सबसे अच्छा टेस्ट क्रिकेटर उस साल का 2017 का कौन है, तो स्टीव स्मिथ हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, यानी कि वर्ष 2017 में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी कि सबसे अच्छा खिलाड़ी जो वनडे क्रिकेट का था ODI का, तो देखिए विराट कोहली इसका आंसर है। विराट कोहली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए जो भारत के हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, ICC पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला, यानी कि पिछले वर्ष 2017 में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो उभर कर आया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, सबसे नया खिलाड़ी, ये सब बात कही गई है, ठीक है। तो सबसे उभरता हुआ खिलाड़ी कौन है, हसन अली पाकिस्तान के, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, पांचवा प्रश्न, ICC पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी कि जो क्रिकेट के एसोसिएट सदस्य हैं, देखो पूर्णकालिक सदस्य वे सदस्य होते हैं जिन्हें टेस्ट खेलने का दर्जा है, और जो है, या फिर हम ऐसी बात करें कि जो नियमित क्रिकेट खेलते हैं, जैसे भारत की टीमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और एसोसिएट जो टीमें होती हैं जो ICC की, वो उनको कम अधिकार हैं, मैच कम होते हैं, लेकिन इनके मैच होते रहते हैं बहुत ही कम, जैसे अफगानिस्तान है, आयरलैंड है, ठीक है, जिम्बाब्वे है, ऐसी टीमें। तो ICC पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रशीद खान को मिला है, जो कि अफगानिस्तान के हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट की टीम है, लेकिन उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टीमें हैं। तो पांचवा प्रश्न का आंसर क्या है आपका, रशीद खान, ठीक है, पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। छठवा प्रश्न देखिए, ICC T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, यानी कि इसमें बताया गया है कि पिछले वर्ष 2017 में T20 क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, तो ये है यजवेंद्र चहल, भारत के अच्छे गेंदबाज है, ठीक है, इनको ये पुरस्कार मिला है। छठवां प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। सातवां प्रश्न देखिए, ICC एम्पायर ऑफ द ईयर के लिए डेविड सेफर्ड ट्रॉफी, यानी कि वर्ष 2017 में सबसे अच्छा एम्पायर कौन है, ठीक है, एम्पायर कौन होता है कि खेल का निर्णायक, क्रिकेट खेल का निर्णायक। तो यहाँ पर देखिए, डेविड सेफर्ड ट्रॉफी जो सर्वश्रेष्ठ एम्पायर के लिए दिया जाता है, तो ये है मैरिस इरास्मन, ठीक, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। आठवां प्रश्न देखिए, ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट कौन है, सुरभ सोल, जो कि इंग्लैंड के हैं, यानी कि क्रिकेट भावना के लिए जाने जाते हैं, खेल भावना के लिए जाने जाते हैं, तो ICC की स्पिरिट ऑफ द ईयर इनको पुरस्कार मिला है। तो देखिए, ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ये क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ वनडे इंटरनेशनल खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस पुरस्कार में मिली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को इसी पर केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ICC की टेस्ट तथा वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने, यानी कि इन सभी खिलाड़ियों के अतिरिक्त ICC ने अपनी टेस्ट टीम और वनडे टीम भी घोषित की है, जिसमें विश्व के सभी खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो उन दोनों टीमों के कप्तान कौन बने हैं, विराट कोहली, यानी कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ICC की टेस्ट टीम और वनडे टीम के कप्तान घोषित किए गए हैं। तो बड़े सम्मान की बात है कि विराट कोहली को काफ़ी पुरस्कार मिले हैं। तो अब देखिए कल का उत्तर, देखिए 89 में ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो आपका मूनलाइट, अधिकतर लोगों ने 99% लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, तो बहुत ही अच्छी बात है। आज का प्रश्न देख लीजिए, आज का प्रश्न है, वर्ष 2017 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, यानी कि 2017 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे मिला है, तो आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कम से कम आप सर्च करेंगे, आप अपनी बुक्स में देखेंगे, ठीक है।
तो कुल मिलाकर ये रहा आज का वीडियो, और आज का वीडियो आपका केंद्रित था आईसीसी के पुरस्कारों पर आधारित। जल्दी आपको अन्य अपडेट के साथ नया वीडियो मिल जाएगा, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।